इस बार किसानों के लिए अंधकारी दिवाली, राकेश टिकैत। माल मारेंगे बंदर और कुत्तों को होनी है फांसी, राकेश टिकैत। वाहनों और इंडस्ट्री से निकलता धुआं नहीं दिखता, दिखती है सिर्फ पराली, राकेश टिकैत। केंद्र सरकार का रवैया कैसा, इसका रिजल्ट बिहार चुनाव से मिल रहा है, राकेश टिकैत। बुलंदशहर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने शासन प्रशासन द्वारा किसानों और मजदूरों पर की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि एनजीटी को वाहन से निकलता धुआं नहीं दिखता, इंडस्ट्रीज से फैलता प्रदूषण नहीं दिखता, दिखता है तो सिर्फ पराली से निकलता धुआं। शासन प्रशासन किसानों को बर्बाद करने की रणनीति बना रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एनजीटी अब एक नया अध्यादेश ला रही है जिसमें किसानों की जमीन पर क्या फसल उगनी है ये भी अब एनजीटी तय करेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदूषण फैलाती है इंडस्ट्रीज और किसानों को परेशान किया जाता है। क्या होगा कि कोई आदमी शहर का पढ़ा लिखा गया होगा जो एनजीटी में रुस्म होगा और उसने कहा होगा कि जो पुराली है ना जलती, उसने कहीं देख ली होगी थोड़ा बहुत धुआं निकलता होगा, उसने पुराली को एनजीटी के शब्द कोश में डाल दिया और चीज का किसी को इनको धुआं नहीं दिखता। जो वाहन चल रहे ना ये धुआं देते, ना यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज लग रही वो धुआं देती, सिर्फ पुराली धुआं इनको दिखता है। ये किसान को बर्बाद करने की एक रणनीति बना रहे हैं और खास करके एनसीआर में अभी एक नया अध्यादेश ही लेकर आ रहे हैं कि क्या यहाँ पे फसल उगनी है वो अब एनजीटी तय करेगा। यहाँ का क्लाइमेट क्या है उसको कोई ज्ञान नहीं है उनको, लेकिन एनजीटी ये तय करेगा कि क्या यहाँ पर फसल उगनी है और किसानों को कैसे यहाँ पर तंग करा जाएगा। पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से उनका साथ दे रहा है, अगर लगा रहा है तो इंडस्ट्रीज है इन्हें लॉकडाउन कर दो आप, उसके बाद वो पता चल जाएगा कि किसान कितना पोल्यूशन फैला रहा है, फैक्ट्री कितनी फैला रहा है। माल मार के बंदर और कुत्तों को फांसी होनी है, क्योंकि वे पकड़े जाएंगे उनको फांसी होनी। मैं आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलन चलेगा जितनी ये सब कार्रवाई करेगा, बिजली विभाग हो, गन्ना विभाग हो, ये पुराली के नाम पे अभी तो 10 साल पुराने जो ट्रैक्टर है भी तोड़ेंगे। तो यहाँ पे किसान क्रांति आएगी, इस बार की वैचारिक क्रांति होगी, इस मुफीद होगी। दिवाली है, दिवाली थोड़ा है भुगतान, यानी अत्याचार हो रहे हैं, लोग जेलों में हैं, तो दीपावली तो अंधकारी दीपावली है, ये कोई खुशी की दीपावली थोड़ा कि लोग हमारे जेलों में रहेंगे, हम दीप जलाएं, तो ये नहीं होना चाहिए। और प्रशासन को सोचना चाहिए कि आप अगर कार्रवाई करनी है तो इंडस्ट्रीज पर करो, किसानों पर कार्रवाई करना बंद करो, नहीं तो देश में वैचारिक कृषि क्रांति आ गई जो विचार संपन्न होगी। और ये दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति होती है, हथियारों से बड़ी क्रांति वैचारिक क्रांति है। ऐसे है ना, तो सब ये मामा भूपी गई केंद्र सरकार उसे अंके हो, ये तो मुसेरे मुसेरे भाई हैं सब, और उसका रिजल्ट बिहार जैसे उसमें दे रखा है, रिजल्ट ही तो है ना, ये जो इनका अत्याचार है वो उसका रिजल्ट है। राकेश टिकैत ने व्यापारी और किसानों में तुलना करते हुए कहा कि माल मारेंगे बंदर और कुत्तों को होनी है फांसी। राकेश टिकैत ने दिवाली को लेकर किसानों के लिए कहा कि किसानों का बकाया भुगतान हुआ नहीं, किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, पराली जलाने के नाम पर मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है, इस बार की दिवाली किसानों के लिए अंधकारी दिवाली होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कार्रवाई करनी है तो उन इंडस्ट्री पर करो जो प्रदूषण फैलाते हैं, किसानों पर नहीं, यदि ऐसा होता रहा तो देश में एक वैचारिक क्रांति आएगी। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के रवैये पर कहा कि शासन और प्रशासन मौसेरे भाई हैं। केंद्र सरकार को इसका रिजल्ट बिहार चुनाव से मिल रहा है। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलंदशहर के खुर्जा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उनके साथ संगठन के मुख्य सचिव एनसीआर मांगेराम त्यागी खुर्जा से कार्यकर्ता बिल्लू चौधरी, हसन सैफी और एडवोकेट अफजाल अहमद भी मौजूद रहे। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।